अभी हमें दिल्ली के आईटीओ में जहां ये सरदार जी 1985 से बना के बेचते हैं बहुत ही अमेजिंग ये घी वाले पराठे, शाम 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक सरदार जी के हाथ यूं ही मशीन की तरह चलते रहते हैं और यहां ये वन मैन आर्मी की तरह रोज ना जाने कितने पराठे बना के बेच देते हैं। इनके अंडे का पराठा, आलू का पराठा और ये मिक्स वेज पराठा सबसे फेमस है। इसके अलावा सरदार जी के हाथ की ये ढाबा दाल, अंडा करी और ये मिक्स वेज अचार, एक बार जो खा ले उसको इसकी लत लग जाती है। अगर आप भी शौकीन हैं पराठे खाने के तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्वाद आ जाएगा आपको। सत श्री अकाल भाई। सत श्री अकाल जी। भाई जी कब से काम कर रहे हो, क्यों लोग इतने दीवाने आपके पराठे के? मैं 80-85 से कर रहा हूँ। अच्छा जी, हाँ जी। तो शुरुआत कैसे हुई जी काम की? शुरुआत तो हमारे फादर थे, हाँ जी, चाय वगैरह बनाते थे इस एरिया में। अच्छा, हाँ जी, चाय मट्टी फाइन वगैरह, हाँ जी, ब्रेड ऑमलेट वगैरह। अच्छा, तो यहाँ सारा प्रेस एरिया अखबार छपता था यहाँ पर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो डिमांड हुई कि खाना इसमें पेट नहीं भरता। हाँ, तो पराठे शुरू करे थे अपने। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। तो फादर साहब ने पराठे शुरू? हाँ जी, मेरे फादर से। तो फिर आपने बीड़ा कब संभाला जी? मैंने भी उसी टाइम से संभाला, मैं भी उसी टाइम था यहाँ। अच्छा, तो कौन कौन से पराठे बनाते जी आप? पराठे हैं, आलू है, हाँ जी, अंडा है, गोभी है, पनीर है, प्याज है, मिक्स है, हाँ जी, दाल फ्राई है, रायता है, अंडा करी है, छोले हैं। अच्छा जी, मक्खन है। क्या बात है। तो पराठे के अलावा सब्जी भी रहती है जी? हाँ, दाल फ्राई भी जो सब्जियाँ मिलती है ना भाई, वो भी बड़ी ही लाजवाब है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जी यहाँ से रायते से। ये देखो भाई, ये है बूंदी का रायता, गाढ़ा गाढ़ा बूंदी का रायता है। बाकी जगह जब आप जाते हैं देखते हैं तो आपको जो बूंदी का रायता मिलता है ना वो बड़ा पतला सा मिलता है, लेकिन यहाँ पे गाढ़ा गाढ़ा ठंडा ठंडा बूंदी का रायता 30 रुपए का रहता है। उसके अलावा दिखाते हैं जी आपको बूंदी के रायते के अलावा, ये है जी दाल फ्राई। ये कौन सी दाल है? चने की दाल है, अरहर की दाल है? उड़द और चने की दाल है। देखिए कितने बढ़िया तरीके से ऊपर इस पर रोगन आर सा रखा है। गर्मा गर्म चने की दाल आपको ये बना के सर्व की जाती है। और ये कितने की प्लेट रहती है जी? ये भी 30 रुपए की प्लेट रहती है जी। उसके साथ अंडा करी। वाह जी वाह भाई, जितने फेमस इनके पराठे है ना उतनी ही लाजवाब यहाँ की इनकी ये अंडा करी है। तो अंडा इसमें गर्म गर्म आप जब ऑर्डर आता रहता है तो बॉइल। और ये कितने की प्लेट रहती है? ये दो अंडा होते हैं, 60 रुपए की एक प्लेट। 60 रुपए की एक प्लेट है। तो ये देखिए जी पराठे यहाँ बन रहे हैं, क्या बात है। अब देखिए जी गर्मा गर्म सरदार जी खुद ही यहाँ पे पराठों की स्टफिंग तैयार करते हैं, उसके बाद उनको बेला जाता है, उसके बाद तवे के ऊपर बढ़िया तरीके से पराठों को स्टफ किया जाता है। रिफिलिंग आप देखेंगे पीछे जो है स्टफिंग की जा रही है। आलू कंटिन्यूअसली मसाला तैयार होता जा रहा है, गोभी का मसाला, आलू का मसाला, प्याज का, पनीर का, सारे के सारे जो मसाले जितनी भी वैरायटी के पराठे यहाँ सरदार जी बनाते हैं ना वो रिफिल होते रहते हैं। 7 बजे से यहाँ पे एक मेला सा लग जाता है लोगों का पराठा खाने के लिए और रात के 11 बजे तक ये मेला इसी तरीके से जो है वो चलता है। वाह जी वाह, क्या बात है। पर जी टाइम क्या रहता है अपना? टाइमिंग 7 बजे से लेकर, हाँ जी, शाम को 7 बजे से लेकर, हाँ जी, रात के 11, 11:30, 12 तक कोई छुट्टी रहती है? 11:30 बजे तक आपको सब मिलेगा। अच्छा जी, और बाद में फिर आलू प्याज ही रह जाता है। अच्छा जी, और कोई छुट्टी वगैरह रहती है? नहीं नहीं, फिर बनाना दिक्कत हो जाती है। अच्छा जी, दुकान बढ़ानी भी होती है ना, तो एक ही चीज बना के रख देते हैं। छुट्टी वगैरह कोई नहीं रहती जी? संडे को छुट्टी करते हैं 15 दिन के बाद में। संडे को छुट्टी रहती है 15 दिन के बाद में? पहले एक संडे करेंगे, एक संडे को छुट्टी करते हैं, फिर अगले संडे को खोलेंगे, फिर अगले संडे को मिलेंगे। क्या बात है भाई। देखिए सर्दियों में बढ़िया गर्मा गर्म पराठे मिल जाए वो भी सरदार जी के हाथ के, तो भाई आपको और क्या चाहिए। इतने साल हो गए इनको यहाँ पराठे बनाते हुए ना कि लोग असल में इनके स्वाद के दीवाने। और आप देखेंगे कि मुझे लगभग 4-5 मिनट हो गए आपसे बात करते करते और सरदार जी का हाथ 1 मिनट के लिए भी जो है ना वो रुक नहीं रहा है। 7 बजे से लेकर 11 बजे तक कंटिन्यूअसली पेड़ों के अंदर स्टफिंग भरते जाते हैं, चाहे दाल का ले लीजिए, आलू का ले लीजिए, गोभी का ले लीजिए, अंडे का ले लीजिए, चॉइस आपकी है। स्टफिंग कंटिन्यूअसली भरते रहते हैं और पराठे वहां उस तवे पे सिकते रहते हैं। क्या बात है। आलू प्याज चल रहा है अभी, कौन सा बना रहे जी? आलू प्याज है। आलू प्याज का बना रहे? अंडा है अभी। आलू प्याज बन गया। अच्छा, यही अंडा मैं दे रहा हूँ। अच्छा, अंडे में आलू भी डालता है जी? हाँ, थोड़ा सा आलू डालते हैं हम। क्या बात है जी, अंडे के पराठे में थोड़ा सा इसमें आलू डाला जाता है जी। अभी ये देखिए यहाँ अंडे का पराठा तैयार हो रहा है। तो सबसे पहले इन्होंने आलू की स्टफिंग जो है वो भर दी है पराठे के अंदर, दो गोभी, और हिसाब भी साथ लिखते रहते हैं। यहाँ पे इन्होंने 2 तवे लगा के रखे हैं। उस्ताद जी हैं यहाँ पे। उस्ताद जी एक तवे पे अंडे के परांठे, आलू के परांठे सेकते रहते हैं, दूसरी तरफ सरदार जी हाथ फ्री होता है वहाँ स्टफिंग से, यहाँ पे दूसरे तवे पे जो है वो परांठे सेकने तैयार कर देते हैं। अभी ये अंडे का परांठा बना रहे, थोड़े से इसमें आलू की स्टफिंग रहती है और उसके बाद ये डालेगा जी इसमें ये अंडे। एक अंडा रहता है जी? डबल वाला 50 का रहता है जी? डबल वाला 60 का रहता है। तो देखो जी इसमें एक अंडा इन्होंने डाल दिया है। अंडा बन गया, मैं गोभी बना रहा हूं। आप गोभी बना रहे हो, क्या बात है। बढ़िया तरीके से देखिए परांठे को
सेका जाता है तेल के अंदर और उसके बाद आपको सर्व किया जाता है। आप चाहे मक्खन अलग से ले सकते हैं। मक्खन 15 रुपए अलग से, 15 रुपए का 100 ग्राम मक्खन आएगा जो 15 रुपए का। अच्छा, वो एक छोटी वाली उसमें रहता है, छोटा सा पैकेट है 30 ग्राम का। ये देखो भाई कितने बढ़िया तरीके से पराठे को लाल किया जा रहा है, पराठे को सेका जा रहा है और क्या लाजवाब लग रहा है भाई। ये अंडे वाला भी लेना जी। हाँ 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 भाई साहब, इस सब्जी के अंदर आपको गर्मा गर्म अगर ऐसे पराठे मिल जाए ना तो आई एम श्योर आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। और जो पिकने में पराठे इतने लाजवाब होंगे भाई, आई एम श्योर खाने में भी बहुत लाजवाब होंगे। देखिए मुझे एक अंकल मिले यहाँ पे जो बहुत सालों से पराठे खा रहे हैं, तो यही पे आते हैं जी पराठे खाने? बंद कर दो, बंद करके ही आते हैं। कितने साल हो गए जी आपको खाते हुए? 7-8 साल। तो 7-8 साल। तो कौन सा पराठा आपका फेवरेट है जी सबसे? सारी पराठे, बाकी तो सारी चीज है ही इनकी बढ़िया। सारी चीज मतलब पराठे खाने का मन करता है जब आंटी के हाथ के अलावा तो यहाँ आ जाते हो? आंटी की तो बनाती नहीं ना, आंटी तो सुबह बनाती है, रात को सार जी बेच रहे हैं। पहले फोन करके आते हैं क्योंकि संडे को आते बैठ एक छोड़ के चलते हैं, एक छोड़ के। हाँ, हाँ, हाँ। तो फोन करके आते हैं, हाँ पापा ही बैठे हो? हाँ जी बैठे हैं। फिर आते हैं। कहाँ से आते हो जी आप? हम आश्रम से आए। आश्रम से आए स्पेशली पराठे पराठे खाने। पराठा एक बार खाता है, बार बार आता है यहाँ पे। अच्छा, आप कब से आ रहे हो? हम तो 2-3 सालों से आ रहे हैं। अच्छा, यही खाते हो जब पराठा खाना होता है? डेली आते हैं। डेली आते हो पराठा खाने? अरे वाह क्या बात। अजी आप कब से आ रहे हो पराठा खाने? आप भी रोज खाने आते हो जी? ऑलमोस्ट। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। देखिए मुझे यहाँ पे एक दीदी मिली, आपको घर में पराठे अंकल को बना के तो ये खिलाती होगी। आज इन्हीं से पूछते हैं कि सरदार जी के पराठे एक नंबर है या नहीं? बहुत अच्छा स्वाद है जी, बिल्कुल वैसा घर जैसा स्वाद। आप पहली बार आए खाने? आप दोबारा आने वाले कि नहीं? बिल्कुल। आपको कैसा लगा भैया? मजा आया? इनसे बेटर है कि इनके सामने तो वैसे भी नहीं बोल सकते कि इनसे बेटर है। बहुत बढ़िया। तो आप कौन सा पराठा एंजॉय कर रहे हैं? ये एक्चुअली मिक्स है, ये पहले तो दोनों बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये देख ली, इनकी भी रिकमेंडेशन है, आपको आना है पराठे खाने तो इन्हीं के पास आना है। यहाँ पे आए हुए लगभग हो चुका है आधा से पौना घंटा और मैंने एक भी ऐसा सेकंड नहीं है जहाँ मैंने सरदार जी का हाथ रुकते हुए देखा हो भाई। कंटिन्यूअसली इनका जो हाथ है ना वो चलता जा रहा है, पेड़े दर पेड़े लगते चले जा रहे हैं, स्टफिंग दर स्टफिंग बनती चली जा रही है, उसमें भरते चले जा रहे हैं और वहाँ तवे पे पराठे डलते चले जा रहे हैं। उसके बाद जैसे इनको यहाँ से मिलती है फुर्सत, इनका जो ये हाथ है वो पहुंच जाता है करछी की तरफ, करछी उठाते हैं, तवे पे जो पराठे डले हैं उसको सेकते हैं और फिर उतने ही लाड उतने ही प्रेम से आपको पराठे जो है वो परोस भी दिए जाते हैं। तो जी फाइनली जो हमारे पराठे हैं वो लग चुके हैं। मैंने यहाँ पे लिए अंडा पराठा और मैंने साथ में लिया है जी मिक्स वेज पराठा, साथ में लिया है ये मक्खन। अब भाई पराठा का स्वाद ही क्या जब उसके ऊपर मक्खन ना लगाओ और ढेर सारी क्वांटिटी में मक्खन ना लगाओ। तो ये देखिए अमूल का मक्खन है इसमें जो आपको सर्व किया जाता है। तो पहले अच्छे से जो मक्खन है ना उसको आप स्प्रेड कीजिएगा। ये देखिए बढ़िया तरीके से मक्खन लगा लीजिए। ये अंडे का पराठा है जी और ये है जी हमारा मिक्स वेजिटेरियन पराठा। मिक्स वेज पराठा आपको मिलता है 40 रुपए का, अगर आप सिंगल अंडे वाले लेते हैं तो वो भी आपको मिलता है 40 रुपए का। मक्खन से लबालब हो चुके हैं हमारे दोनों पराठे, साथ में मैंने रायता लिया। सबसे पहले मैं इंजॉय करूंगा जी ये आपका अंडे वाला पराठा, क्या बात है। साथ में लूंगा हरी वाली चटनी, बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद ट्राई करते हैं ये मिक्स वेज पराठा रायते के साथ। रायता भी देखो कितना बढ़िया है, गाढ़ा गाढ़ा। देखिए मेरा तो यही मानना है कि इस सर्दी के अंदर अगर आपको गर्मा गर्म मक्खन के साथ ऐसे पराठे मिल जाए ना तो आपको और कुछ भी नहीं चाहिए भाई। अगर आप भी पराठे खाने के शौकीन है, मिक्स वेज खाइए, गोभी का खाइए, आलू प्याज खाइए, अंडे का खाइए, चॉइस आपकी है। तो एक बार फिर आपको आना बनता है ITO में। अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो मेरे राइट पे गेट नंबर 4 है, गेट नंबर 4 से बाहर निकलते ही हार्डली 10-12 कदम पे ही आपको सरदार जी मिल जाएंगे, नहीं तो पासपोर्ट ऑफिस है बड़ा मशहूर उसके बिल्कुल सामने ये बैठते हैं। जरूर आइए, खाइए इनके पराठे और बताइए कैसी लगी आपको मेरी रिकमेंडेशन। मजा आ जाएगा आपको, इस बात की श्योरिटी गारंटी मेरी है क्योंकि इतनी ठंड में पराठे का जो स्वाद है ना वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है।